तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। भाई सीन ये है कि आपसे पहले तो माजद करते हैं, कल वीडियो नहीं आई हमारी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, दूसरे काम होते हैं हमारे, कुछ कामों में बिजी थे। खैर आज आ रही है वीडियो तो उसको आप लोग इंजॉय करें। खैर मसला भी ये है कि सारा को खाना वाना रख दिया, लेकिन बर्थडे ने हमारा खाना खाना उसने बंद कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि वो सुबह जो घास वास खाता था वो घास अब नहीं खा रहा। और अब देखा सुस्त भी मेरे को लग रहा है पहले से। बर्लिन बेटा क्या हुआ? मेरे बेटा क्या हुआ यार? मुझे लग रहा है कि बीमार हो गया, तो उसका दवाई वाई का इसका प्रोसेस चलाएंगे। बाकी सब तो माशाल्लाह अपने खाने पीने में ओके हैं। बॉक्सर ने भी थोड़ा सा खाना छोड़ दिया, वैसे ये छोड़ता नहीं है। इसने छोड़ा इसलिए क्योंकि इसको शाम में मैंने थोड़ा सा इसकी डाइट इसकी बढ़ा दी थी, क्योंकि अब जो है बकरा ईद करीब जैसे जैसे करीब आती जा रही है वैसे वैसे इनकी डाइट बढ़ती जा रही है। और रेड आई हमारा, इसको अभी तक खाना नहीं दिया गया, गोशी आगे इसको खाना वाना देगा। और ये रहा वो जेडू का दम्बा, इसको तेल लगा हुआ है। खैर इसको तो खारिश है, इस वजह से इसको तेल वेल लगाया गया। और बकरी भी हमारी आज फुल होकर बैठी हुई है। बकरी नहीं माधुरी यार, वो भी नहीं है ना, तो उसने थोड़ा सा टेंशन है। खैर खाना वाना इसका ओके हो गया, सब खा के बैठी हुई है। और ये हमारा टंगमुड़ा जो है ये अभी तक माशाल्लाह से खा रहा है। खाने पीने में तो ये ओके है। आज की टांगों के लिए दुआ करें कि मुदस्सिर भाई ने हमारे बोला था यार इसकी टांगों के लिए अपने व्यूअर्स को बोलना दुआ करें कि सेट हो जाए, इसकी टांगें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। खैर हो जाएंगी सेट, आप लोग दुआ करेंगे तो सेट हो जाएगी। और ये हमारे बुरा, इसका बुरा नाम रखा है मुन्ना ने, सॉरी बुरा नहीं सिल्क नाम रखा है, सिल्क इसका नाम सिल्क रखा है मुन्ना ने, क्योंकि इसके थोड़े से बाल देखे यहाँ से ना, सिल्की सिल्की बाल हैं। कह रहे हैं बहुत प्यारा ही है। और इसने भी मेरे ख्याल से खाना ख़त्म कर लिया है। ओ कहाँ आ रहा है तू? खाना देखने आ रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया, ख़त्म कर लेगा। और ये हमारा बबलू है, इसका ट्रीटमेंट अभी शुरू कर दिया है मुन्ना ने मुदस्सर में, वो आएगा और इसको इंजेक्शन वगैरह लगा देगा, तो इसका ट्रीटमेंट। ये देखें बॉक्सर आज माशाल्लाह से इसका पेट देख सकते हैं आप, आज ये सो के बैठा हुआ है, ये बिल्कुल ये सो के खाना खाया। और आज थोड़ा सा चल चुलबुली भी नहीं कर रहा, इससे बातचीत करते हैं। हाय बॉक्सर, आज देखें कितना प्यार करवा रहा है, सुकून से प्यार करवा रहा है मैं इसे। हाँ बेटा, हाँ बॉक्सर मेरा वन्ना, हाँ मेरा बेटा। ये देखिए मैं जैसे इसको प्यार करने आता ना, बर्लिन आ जाता पीछे से, कहता भाई इसको छोड़ो मुझे ही करो प्यार। हाँ भाई आपको करूँ? आओ मेरा बेटा आओ। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया यार? मेरे को आज ही बीमार सा थोड़ा सा लग रहा है। खैर आज इसको दवाई पिलाएंगे, कल तक ही फिर सेट हो जाएगा। आज खाना भी ठीक से नहीं खाया इसने, कमज़ोर भी लग रहा है मेरे को पहले से ही। आज खाना भी इसने ठीक से नहीं खाया। और इसकी आंखें आप लोग देख सकते हैं, ब्लू आइज़ हैं। ये देखें ब्लू आइज़ हैं भाई, ब्लू आइज़ वाला बकरा है हमारे पास यार, ब्लू आइज़। ओए क्या हो गया, डरा दिया इसने तो भाई। अभी ये मेरे को टक्कर रख देता, खैर मैं सही टाइम पे खड़ा हो गया। और अभी मैंने बॉक्सर की तारीफ़ करी है कि ये थोड़ा सा मेरे को सही लग रहा है, तो अभी फिर इसने जो है ना एग्रेशन अपना दिखाना शुरू कर दिया भाई। ये नहीं सुधरेगा भाई। ये देखो आज असल में इसको हमने नहलाया है, इसलिए ये जो थोड़ा चमकता हुआ लग रहा है इसको। माशाल्लाह बोल दे यार, माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह नज़र लग जाएगी हमारी चीज़ों को। आपसे रेड आई से थोड़ा सा प्यार कर ले, सबको प्यार कर लिया, रेड आई को प्यार नहीं किया, रेड आई रह गया, बुरा मान जाता है यार हमारा कुछ। हाँ रेड आई बेटा, हाँ मेरा बेटा, सब सेट है, मज़े में? हाँ मेरा बेटा, भूख लग रही है, भूख, खाना खाना है? वाह क्या हुआ, खाना खाना है क्या यार? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी थी यार, हम लोग इसकी ना नस्ल का कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन सी नस्ल का कौन सा जानवर है हमारा। हमने लड़ाई तो रख दिया, कोई हमें कह रहा है कि बरामन का क्रॉस है, कोई हमें कह रहा है कुछ है। तो आप लोगों अगर नॉलेज है इसके बारे में, आपने पूरा जानवर तो देखा हुआ ही हमारा, किसी को नॉलेज है तो भाई कमेंट में प्लीज़ बता दो कि कौन सी नस्ल है। पक्का कोई हो ना कन्फर्म बंदा जो बता सके, जिसको एक्सपीरियंस हो, वो हमें बताए तो फिर हमें पता लगे कि यार कौन सी नस्ल है इसकी, ताकि हमें कन्फर्म हो। ठीक है ये देख लें आप एक बार फिर से, ये इसका फेस है। और आपको मैं ठीक से दिखा देता हूँ, ताकि कोई भाई अगर किसी को पता हो तो भाई प्लीज़ हमें बता दो कि ये कौन सी नस्ल है। ये उठान आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह उठान तो बहुत प्यारी है इसकी, नाप जलर वगैरह सब कुछ ओके। ये देखें बस पेट अभी थोड़ा सा अंदर है, क्योंकि खाना वाना सही से नहीं खाया। बाकी कोई भाई अगर एक्सपीरियंस वाला होगा ना, उसको तो देखते ही समझ जाए कि भाई ये फना फना नस्ल है। तो भाई जिसको भी अगर पता है इसकी नस्ल के बारे में तो प्लीज़ हमें बता दो। आप जोड़ बोड़ इसके चेक कर सकते हैं, जोड़ बोड़ तो बहुत सॉलिड है माशाल्लाह इसके। और जिसको भी पता हो भाई इसके बारे में प्लीज़ हमें बता दो यार, ठीक है हमें बताओ ताकि मैं कंफर्म हूँ। और ये हमारा जेडू का दुम्बा भाई, इसको आप देख सकते हैं, इसके अंदर तो पता नहीं कौन सी मोटर है, हमें समझ नहीं आता, ऐसे ही हिलता रहता है, ये ऐसे हिलता रहता है। अल्लाह ताला इसकी आसानी मुश्किल आसानी आसान करे। और यार हाँ यहाँ पे बनाते हुए हम बहुत गर्मी में होते हैं हमारे जानवर, अगर हम इतनी गर्मी में तो हमारे जानवर भी जाहिर सी बात है बहुत गर्मी में होंगे। खैर हमने एक बात सोची है कि जैसे यहाँ पर एक विंडो हमने निकाला हुआ है ना, वैसा हम विंडो यहाँ पे भी इन तीन ब्लॉक्स को हटा के यहाँ पर भी ऐसा विंडो निकालें, ताकि जो है हमारे जानवरों के लिए थोड़ा सा वेंटिलेशन का सिस्टम
इजी हो जाए। वैसे हमने एग्जॉस्ट फैन तो यहाँ लगाया हुआ है, बाकी सब तो सेट हो जाएगा एग्जॉस्ट से, लेकिन ऐसी खिड़की हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी लगाई जाए, इससे हमारे हवा का जो पास है, हवा पास होना वो ओके हो जाए और वेंटिलेशन का सिस्टम सेट हो जाए। तो उसको करने के बाद ये आज का ये सीन तो हमारा कल का था, हमने कल करने का सोचा, लेकिन रात हो गई थी तो ऊपर फ्लैट वाले परेशान होते, तो हमने सोचा कि इसको दिन के टाइम किया जाए ताकि किसी को परेशानी भी ना हो और हमारा काम भी हो। तो आज भी रात हो गई है, तो अब ये कि ये कल ही होगा, कल की वीडियो आपको दिखा देंगे कि जैसे हमने पीछे इसकी जाली लगाई हुई ना, आपको मैं जूम करके दिखाऊँ, ये देखो पीछे हमने इसकी जाली लगाई हुई है, ऐसी जाली यहाँ पे भी विंडो हम काट के निकालेंगे और उसके पीछे हम जाली लगा देंगे ताकि सिर्फ हवा आती रहे और कोई चीज़ ना। और बात रही भाई रेड आई के खाने की हमारे, तो रेड आई के खाने के लिए गोशी आ चुका है, ये देखने पानी वानी भर के ले आया है इसके अंदर। अब ये है कि टब, ये रहा भाई टब उठाओ, अब इस टब को पहले धोया जाएगा, अच्छी तरह साफ़ किया जाएगा, उसके बाद खाना दिया जाएगा ताकि हम, क्योंकि हम अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं, साफ सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। ये देखें ये धो लिया इसने टब को, धो लिया, अब खाना रख रहा है इसके अंदर, धो लिया टब धो लिया, अब इसके अंदर ये खाना रख रहा है। आपको पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं आज खाना बनाने का, कि रेडाई को हम क्या क्या दे रहे हैं और किस तरीके से दे रहे हैं। वैसे दिखाऊंगा नहीं मैं, आप लोग कॉपी कर लोगे, आप लोग ही पाल लोगे, फिर खैर ऊपर से देख लो बस। ये गोशी है और ये टप है और ये भूसा डल रहा है इसके लिए। तो भाई रेडाई के लिए खाना तैयार हो चुका है, डाल दिया जा रहा है, देखते हैं रेडाई खाता है या नहीं खाता, क्योंकि भूखा तो ये हो रहा है, खाएगा तो नहीं खा रहा। खैर अभी सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई है, अभी से भूसा डाला गया है, अभी और मटेरियल इसके अंदर डाला जाएगा, मटेरियल जब तक गीला वो मुँह नहीं मारेगा, ऐसी बात, खाली भूसा कौन खाता है यार। खैर पहले पानी डाला जाएगा इसके अंदर, भूसे के अंदर, उसके बाद और जो दूसरे मटेरियल है, अभी देखिए पानी डल रहा है, पानी डलते ही वो खाना शुरू करते हैं। ये मिक्स किया जा रहा है यार, मेहनत करनी पड़ती है भाई, जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है भाई, ऐसी नहीं पल जाते जानवर मेरे भाई, जानवर ये देख लो कितने पसीने में हम खड़े हुए ना यार, जानवरों के लिए खड़े हुए भाई। खैर ये देखो बन रहा है खाना, बन रहा है, रेडाई ने खाना भी स्टार्ट कर दिया, जबकि मटेरियल कुछ नहीं डाला अभी तक, लेकिन रेडाई ने खाना स्टार्ट कर। खैर मटेरियल में भी डालेंगे, मटेरियल तो आप लोगों को नहीं बताएंगे, खैर यार सब लोग अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, अपने अपने वंडे होते हैं, हमारा भी अपना वंडा है भाई, तो हम वो सबको नहीं, सबके साथ हम नहीं शेयर करेंगे, ताकि आगे चल के आप लोग खुद ही देख लेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे रेडाई का, तो उससे पता चल जाएगा क्या ठीक है नहीं। बर्लिन मेरे ख्याल से प्यासा हो रहा था, पानी की तरफ भागा है, उसके बाद खाना खाएगा ये। बर्लिन बेटा पी लो बेटा, मेरा बेटा सुकून से पी लो, ये लो बेटा ऐसे पी लो, ऐसे पी लो, ऐसे करके पी लो, अब पी लो सुकून से पी लो। ये रेडाई भी आ गया, बोला मुझे तू ये पानी पीना है, लो बेटा पी लो, पी लो मेरा बेटा, आओ पियो, आपको अभी पिलाया तो है, आओ बर्लिन आओ पियो। अब नहीं पी रहे, अब बोली गोशी को पूरा इसने लपेट दिया रस्सी के साथ, देख सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है हमारा रेडाई। खाना डालोगे तो बेटा नहीं मारेगा, तो मैं खाना भूखा हो रहा है इसलिए मार रहा है, डालो खाना डालो उसको, डालो खाना डालो। अब ये वनडे, अब बारी है वनडे की, आप लोग हमने दिखा सकते, सॉरी यार, ठीक है भाई, तो जब पूरा बन जाएगा फिर आता हूँ। तो भाई ये हमारा वो वनडे है जो हम लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो वनडा ही बोलेंगे हम इसका, हम बताएंगे नहीं आपको क्या है, सिर्फ ये डालेंगे और फिर देखना माशाल्लाह हमारा जानवर कैसा, क्योंकि उसको पता नहीं यार क्या डल रहा है वनडे की शक्ल में, देखें माशाल्लाह से खाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई ये है वनडा, हर किसी का अपना अपना होता है, हमारा भी अपना है, घर का बना हुआ भाई, घर में बनाया, इसके अंदर 7-8 किस्म के मटेरियल हमने डाले ताकि जो है जानवर की सेहत के ऊपर अच्छा असर पड़े और जानवर हमारा अच्छा बने, ठीक है। बताएंगे नहीं कौन सा वंडा, बताएंगे नहीं क्योंकि यार फिर रिवील हो जाएगा ना हमारा सीक्रेट। तो भाई बात रही बॉक्सर के खाने की, बॉक्सर ने अपना खाना ऐसी का ऐसी छोड़ दिया, अभी बर्लिन के ऊपर ट्राई करते हैं, वैसे बर्लिन ने अपना खाना खा तो लिया है, क्या पता ये खा ले भाई, थोड़ा सा तो खा ले, अच्छा मोहब्बत में खा लो भाई की, यार भाई की मोहब्बत में थोड़ा सा तो खा ले, खाएगा मोहब्बत में तो खाएगा यार, मोहब्बत में तो खाएगा भाई की मोहब्बत में, कैसे हो ही नहीं सकता अगर ना खाई, खाएगा भाई खाएगा, माशाल्लाह खाओ खाओ मेरे बेटा खाओ, सारा आपका है, बॉक्सर का पेट भर गया, बॉक्सर ने छोड़ दिया अपना खाना आपका। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने नीचे रख दिया, लेकिन ये नहीं खा रहा है, क्योंकि यार ये हाथ पे हमारे सेट है, ये कहता है कि सिर्फ हाथ में मुझे उठा के दोगे तो मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा, ये खाना छोड़ दिया इसने, नहीं खा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये नीचे से खाएगा, देख रहे नहीं खाएगा नीचे से, मुझे पता है ना, जब तक मैं उठा के इसके सामने नहीं करूँगा तब तक ये खाएगा नहीं, अब देखना, देखा खाया ना नहीं खाया, खाया है भाई, खा रहा है, मैं बता रहा हूँ यार हमारे हाथ पे सेट है भाई, खा लो बेटा,
कब तक मैं लेके खड़ा रहूंगा मुझे नहीं पता। खैर जानवरों के लिए इतना तो करना पड़ता है यार। आप लोग के पास भी अगर जानवर है तो भाई अच्छी तरीके से उसकी देखभाल किया करें। ओए ये क्या किया, ये क्या हुआ, खाने का गिरा दिया। उठाइए जरा खाने का, उठा के साइड में रख। इन लोगों की बहुत बड़ा गए ना, साइड में रख उठा के। खाओ बेटा बढ़ लेने, तुम सुकून से खाओ। भाई मैं बदलने का खाना जो है ना देखे यहाँ पे रखता हूँ ताकि ये खाने की कोशिश कर, लेकिन ये बिल्कुल वहाँ पे गया तो कुछ खा ही नहीं रहा। ये कह रहा अभी नखरे कर रहा है, इसको नखरे करने देते हैं। इसको हम वापस बॉक्सर के पास रखते हैं, बॉक्सर का दिल चाहेगा बॉक्सर खा लेगा। चल भाई बॉक्सर खा लो सकून से, अभी तो फिलहाल ये फुल है इसलिए नहीं खा रहा, जब दिल चाहेगा खा लेगा। और कोई टेंशन वाली बात नहीं, बॉक्सर तो सही खा रहा है, हमारा बर्लिन सिर्फ नहीं खा रहा होगा, लेकिन वो भी उसने भी थोड़ा बहुत खाया था, दिल को तसल्ली मिल गई। क्या ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी इसको दवाई हम पिला देंगे आज तो। ठीक है भाई, अभी आपको दिखा दिया पूरा अपना सेटअप, क्या आज का व्यू सब कुछ दिखा दिया, क्या क्या लगता है। वनडे का भी आप लोगों को बता दिया क्या क्या हमारा वंडा देते हैं अपने रेडाई को, और सबको खाना खिला दिया। हमारे बॉक्सर, हमारे बर्लिन, हमारे टंगमुड़ा, हमारा गोविंदा, और ये हमारी माधुरी और हमारा जेडू, सब कुछ आपको दिखा दिया। बस इतना ही था आज की वीडियो में यार। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब आप लोगों को जैसे बताया था वो सब कर देना। इतनी ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।